to online classes in MBBS standard first subject English grammar. Now revision work में देखेंगे book reading. Nouns can be singular or plural. Singular noun क्या है? A noun that name only one person, place, animal or thing is called a singular noun. Singular noun क्या है? एक व्यक्ति, एक स्थान, animal और things कोई वस्तु हो, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. सिंगुलर एंड प्लूरल आर अपोजिट वर्ड. सिंगुलर और प्लूरल अपोजिट वर्ड होते हैं. एग्जांपल में देयर आर ओनली वन एप्पल वन बास्केट सो दे आर द सिंगुलर नाउन. प्लूरल नाउन क्या है? ए नाउन दैट नेम्स मोर देन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन में एक से अधिक चाहे जानवर हो, स्थान हो, वस्तु हो या कोई भी हो, जैसे आपका बाइसिकल्स, बॉयज, साइकिल्स, ये प्लूरल नाउन्स में आते हैं. सिंगुलर नाउन में जैसे आप दिया गिवन टेबल में देखेंगे सिंगुलर नाउन बैलून, बैलून्स हो जाएगा, बियर का बियर साइज हो जाएगा, टॉय का टॉय हो जाएगा, बुक्स का बुक्स हो जाएगा. ये आपके सिंगुलर और प्लूरल नाउन की डेफिनेशन है एंड इसके एग्जांपल ट्राई किए हमने. इसके आपको राइट करना है, लर्निंग करना है, होमवर्क भी नोट करेंगे आप. राइट द एनिमल होम से नेम एंड जानवरों के घरों के नाम लिखने, जैसे टाइगर, टाइगर कहाँ रहता है आपको राइट करना है. हॉक्स क्या क्या होम है आपको राइट करना है. डॉग का क्या होम है आपको राइट करना है. मंकी का क्या होम होता है आपको राइट करना है. डॉग का क्या होम है आपको राइट करना है. काऊ का क्या होम है आपको राइट करना है. और हॉर्स कहाँ रहता है या क्या उसका होम का नाम है ये आपको राइट करना है. आप वो होमवर्क नोट करेंगे.